नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और शहरी विकास विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से निर्धारित समय सीमा के अंदर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत घोषणाएं 510 हैं, जबकि प्रथम चरण प्री कंस्ट्रक्शन की स्वीकृत घोषणाएं 234 हैं। अवशेष घोषणाओं में 12 निरस्त होने वाली घोषणाएं हैं तथा 98 घोषणाओं के आंगन शासन में प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 33 घोषणाओं के अवशेष आंगन प्राप्त होने हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन 98 घोषणाओं के आंगन शासन में प्राप्त हो चुके हैं उनका तकनीकी परीक्षण कर 25 सितंबर तक कर लिया जाए तथा वित्त विभाग को प्रेषित घोषणाओं के 15 सितंबर तक शासन आदेश निर्गत कर दिए जाएं। ऐसी घोषणाएं जिनमें टेंडर होने के उपरांत अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं हुए हैं उनके दिनांक 10 सितंबर तक कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारंभ कराया जाए। साथ ही जिन घोषणाओं की शासन से स्वीकृति होने के उपरांत बजट उपलब्ध होने के पश्चात कार्य हेतु टेंडर होने हैं उनके अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह तक टेंडर की कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। ऐसी घोषणाओं जिनमें सर्वेक्षण समरेखण का कार्य गतिमान बताया गया है में सर्वेक्षण समरेखण की कार्यवाही सितंबर 2021 तक पूर्ण करा ली जाए। ऐसी घोषणाएं जिनमें द्वितीय चरण की डीपीआर गठन की कार्यवाही गतिमान बताई गई है कि डीपीआर गठन की कार्यवाही 20 सितंबर 2021 तक पूर्ण करा ली जाए। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अंतर्गत कुल 223 घोषणाओं में 133 के शासन आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, जबकि 90 पर कार्यवाही गतिमान है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा इंगित नाबार्ड के अंतर्गत वित्त पोषित घोषणाओं के शासन आदेश सितंबर 2021 तक निर्गत कर दिए जाएं। विभाग द्वारा इंगित 50% से अधिक भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को नवंबर 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभाग द्वारा इंगित 25% से अधिक और 50% से कम भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को मार्च 2022 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभाग द्वारा इंगित अवशेष घोषणाओं को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के शासन देश सितंबर 2021 के अंत तक निर्गत किए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी घोषणाएं में जिसमें बजट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा अन्य स्रोतों से भी वित्तीय पोषण नहीं हो पा रहा है और उनकी लागत लगभग 1 करोड़ हो के प्रस्ताव नियमानुसार मुख्यमंत्री घोषणा सेल को प्रेषित किए जाएं। धारचूला जनपद पिथौरागढ़ में बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अविलंब कार्य योजना तैयार कर समक्ष स्तर पर उसका प्रभावी प्रस्तुतिकरण और अनुश्रवण करते हुए 15 दिन के अंदर कार्य योजना की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी के कोटी में घाट का निर्माण किया जाएगा, संबंधी घोषणा का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया जाए तथा विधायक टिहरी से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए जाए। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए अविलंब प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अंतर्गत कुल 200 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से 138 घोषणाओं में शासन आदेश निर्गत किए जा चुके हैं तथा 62 घोषणाओं में कार्यवाही गतिमान है। उक्त 15 घोषणाओं में से मुख्यमंत्री कार्यालय को संदर्भित 6 घोषणाओं के शासन आदेश 1 सप्ताह के भीतर निर्गत किए जाए। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में विभिन्न नगर पालिकाओं के गठन और विस्तारीकरण इत्यादि से संबंधित घोषणा पर शहरी विकास विभाग के स्तर पर समयबद्ध रूप से प्रस्ताव तैयार किए जाएं तथा इस प्रकार के प्रकरणों पर यथाशीघ्र समक्ष स्तर पर निर्णय प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर गतिमान घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही 3 महीने में पूर्ण कर ली जाए। नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित विभिन्न नाली निर्माण से संबंधित बड़ी लागत की परियोजनाओं हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए यथाशीघ्र घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग को आवंटित ऐसी घोषणाएं जो अन्य विभागों को स्थानांतरित की जानी है को 3 दिन के भीतर स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही की जाए।
ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत खांड गांव को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने पर सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि कृष्णानगर चूंकि वन विभाग क्षेत्र में बसा हुआ है और राजस्व ग्राम नहीं है, अतः उक्त क्षेत्र को नियमानुसार नगर पालिका में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में एक सप्ताह के भीतर वस्तु स्थिति के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रेचिंग ग्राउंड की व्यवस्था संबंधित घोषणा के संबंध में एक महीने के भीतर शासन आदेश निर्गत किए जाने की कार्यवाही करने के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।